दोस्तों पिछले 2-3 महीनों से आप लोगों ने एक नया ट्रेंड जरूर देखा होगा कि अब बातें 6th जनरेशन के विमानों के लिए ज्यादा होती है। आपने सोचा है कि ऐसा एक्चुअली क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है कि दुनिया के अलग अलग देश अब 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट तैयार करने जा रहे हैं। ब्रिटेन की तरफ से अपने 6th जनरेशन का डिजाइन पेश किया जाता है। अमेरिका कहता है कि हम तो 3-4 साल 5 साल में 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट अपनी सेना में भी शामिल कर लेंगे। उधर चाइना अलग से ताल ठोक रहा है, रशिया ताल ठोक रहा है, फ्रांस अलग से तैयार कर रहा है। तो कहने का मतलब ये सारे विकसित देश अब 6th जनरेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम रह देकर एमका तक ही रुके हुए हैं। लेकिन आप एक बार कल्पना करके देखिए कि हमारा कावेरी प्रोजेक्ट आज से 20 साल पहले ही तैयार हो गया होता, उससे हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार एमका परियोजना के लिए एक बार फिर से अपग्रेड कर चुके होते। और आज की तारीख की बात करते हैं तो आज हम लोग भी 6th जनरेशन के लिए फाइटर जेट तैयार कर रहे होते और उसी कावेरी इंजन को एक बार फिर से अपग्रेड करके 6th जनरेशन के हिसाब से तैयार कर रहे होते। कहने का मतलब हमारे 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने और करंट परिस्थितियों में केवल और केवल इंजन की कमी है। यानी इंजन हमारे पास होता तो हम लोग आज 5वीं पीढ़ी का नहीं बल्कि 6ठी पीढ़ी का विमान तैयार कर रहे होते। लेकिन ये सारी चीजें अब लंबे समय तक गैप नहीं रहेगी, क्योंकि अब फाइनली भारत द्वारा इस बात का अंतिम डिसीजन ले लिया गया है कि एमका का इंजन शीघ्र तैयार करवाया जाए, जो कि ऑलरेडी 6th जनरेशन के फाइटर जेट के हिसाब से होगा। मैं आपको बता दूं कि CCS की तरफ से DRDO को मंजूरी मिलने और साथ ही $2 बिलियन के ऊपर धनराशि आवंटित करने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। बताया जा रहा है कि DRDO की GTRE द्वारा एमका फाइटर जेट के लिए नए इंजन डेवलपमेंट के लिए जो संभावित हमारे लिए पार्टनर्स हो सकते हैं, फ्रेंच साफरान हो गई, UK की रोल्स रॉयस और अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक, इन तीनों ही संभावित भागीदारों से जो भी बातचीत करनी थी, जो भी नेगोशिएशन करने थे, वो संपूर्ण रूप से कर लिए गए हैं। वैसे ये पूरी परियोजना 5 से लेकर $6 बिलियन के आसपास की अनुमानित होने जा रही है। इसी वजह से CCS द्वारा शुरुआत में $2 बिलियन के आसपास की धनराशि आवंटित की जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारी शर्तें हैं इनका संपूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। यानी हम लोग ऐसी गारंटी चाहेंगे कि निर्यात मुक्त संपूर्ण इंजन की संपूर्ण टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर की जाए। यानी IPR के साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये भारत को चाहिए होगी। और हम सभी जानते हैं, अलग अलग समय पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, फ्रेंच साफरान हो या फिर ब्रिटेन की रोल्स रॉयस हो, दोनों ही भारत को टेक्नोलॉजी के साथ साथ IPR देने के लिए तैयार है। और यहाँ पर शुरुआत में ही 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा और हमारी प्राथमिकता भी यही है कि एक ऐसा इंजन तैयार किया जाए जो कि नए सिरे से किया जाए, बिल्कुल ही नया हो, किसी पुराने इंजन के मापदंड के अनुसार नया इंजन डेवलप करके भारत को न दिया जाए। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रेंच साफरान ये दोनों प्रमुख भागीदार हो सकते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि DRDO द्वारा बहुत ही जल्द अपनी ये सारी सिफारिशें डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने ऑफिशियली भेजी जाएंगी और सिफारिश मिलते ही इन्हें $2 बिलियन के आसपास का फंड आवंटित कर दिया जाएगा और इसके लिए मंजूरी मिल जाएगी। अब बात कर लीजिए इसकी टाइमलाइन की। तो बताया जा रहा है कि काम शुरू हो जाने के 4 सालों के अंदर इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा और संयोग से ये वही टाइमलाइन होगी जब हमारा एमका भी प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। यानी उससे पहले एमका डेवलप हो चुका होगा, उसकी कई सारी फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट कर चुके होंगे। जो 4-5 प्रोटोटाइप बनाने की बातें सामने आ रही है, ये सारी कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होगी और जब वो फाइनली प्रोडक्शन में जाएगा उस समय इंजन का प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार हो जाएगा। और कुल मिलाकर जो एमका मार्क टू परियोजना के लिए इस इंजन को तैयार किया जा रहा है, उस परियोजना को बड़ी आसानी से हम लोग मैच कर पाएंगे। यानी उस परियोजना की पूरे हो जाने से पहले ही इंजन हमारे पास हमारे खुद के बनाए हुए भारी मात्रा में पहले से ही तैयार रहेंगे। अब बताया जा रहा है कि गेंद पूरी तरह से DRDO के पाले में है। यानी DRDO के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब अपनी सिफारिश डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने पेश करता है। जैसे ही पेश करेगा उसके तत्काल बाद कार्रवाई करते हुए CCS द्वारा मंजूरी और फंड आवंटन दोनों कर दिया जाएगा। अब इस मुद्दे पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से राइट चॉइस कौन सी हो सकती है पार्टनर के लिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।